लेट्स गो जानवी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। छोड़िए डॉक्टर, मैंने उस डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा जो मेरा बच्चे को बचाना चाहता है। क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ से जाना बच्चा है। पर हुआ क्या बताओ तो सही, कुछ चल के बता दो। चलिए अभी जानवी। आकाश क्या हुआ, इसे यहाँ क्यों ले आए? डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ इसे? आकाश तुम कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुम अस्पताल में इसका इलाज कराने की बजाय जबरदस्ती इसे घर उठा कर ले आए, कुछ तो बताओ हुआ क्या है? बेटा जानवी प्रेग्नेंट है, इस वक्त उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो उसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? ठीक है, आप लोग जानना चाहते हैं ना तो सुनिए। दो हिस्सों में बटे होने के बावजूद बच्चे की हार्ट बीट चल रही है, बच्चा जिंदा है। बच्चा दो हिस्सों में बटे फिर भी जिंदा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मनी चाचू, शायद मनी की वजह से, जैसे मनी दो हिस्से में बट गई वैसे ही बच्चा भी दो हिस्से में। जानवी जानवी क्या जानवी जानवी विशाखा देखो जानवी, तुम्हें यहाँ आना ही होगा दैत्य, मेरी मदद करनी होगी, मेरी साधना स्वीकार करो। तूने मेरी तपस्या भंग की, तुझे अपनी मौत से डर नहीं? कितने दुश्मन बनाएगी, मैं तुझसे यहाँ लड़ने नहीं तेरी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? मैंने मणि दैत्य को गुफा में देखा, इन दिनों वो गुफा में ही रह रहा है, लेकिन अगर वो तेरी साधना स्वीकार करके यहाँ नहीं आया तो तुझे वहां जाना होगा और उसकी गुफा में जाके उसको मजबूर करना होगा कि वो तेरी मदद करे। ये तुम क्या कह रही हो, मैं पहले ही उसका घर तोड़ चुकी हूं, अब उसकी गुफा में जाऊंगी तो कहीं वो दुनिया की शक्तिशाली डायन बनने के बाद भी तेरे मन से डर नहीं गया ना? कुछ नहीं होगा, बल्कि तेरे निडर अवतार को देखकर दैत्य प्रसन्न होगा, तेरी मदद करने के लिए तैयार होगा। जा गुफा में। तुम सही कह रही हो, मुझे वहां जाकर उसे मेरी मदद करने के लिए मजबूर करना होगा। मैं जाऊंगी वहां उससे मिलने। तुम यही रुको, प्लीज कहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे पास हमेशा हमेशा। आकर्ष मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पापा देखो आकर्ष, मैं जानता हूं तुम दोनों बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, लेकिन मैं जानवी का पिता हूं और अपनी बच्ची का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दी है इस बच्चे को गिराने के लिए तो तुम दोनों उनकी बात क्यों नहीं सुनते हो? आकर्ष क्यों सब कुछ जानते हुए भी जानवी की जान खतरे में डाल रहे हो? क्योंकि हमारा बच्चा अभी भी जिंदा है पापा, मैंने खुद उसकी सांसों को महसूस किया, उसकी धड़कनें अभी भी चल रही है, मैं अपने हाथों से उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? आकर्ष वो बच्चा दो हिस्सों में बट चुका है, उसकी सांसें चल रही है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। जानवी को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ आकर्ष, अगर जानवी इतने दर्द में है तो बच्चा कैसे खुश होगा, वो भी तो दर्द में होगा ना। जरा सोचो, दो हिस्सों में बटा हुआ बच्चा अगर जन्म ले भी ले तो क्या वो जिंदा रह पाएगा, बच पाएगा वो? हम तुम्हारे और जानवी का दर्द समझते हैं, तुम्हें भी समझदारी से काम लेना होगा, बच्चा गिरा दो आकर्ष। विशाखा भाभी चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा मैं नहीं गिराऊंगा, मैंने जानवी से वादा किया कि मैं उसकी जान को कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मेरे बच्चे को कुछ होने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चाचू शायद जानवी सही बोल रही है, हो सकता है ये मणि के टूटने की वजह से ही हुआ,
क्या था जो मनी टूटी थी तो उसमें से एक अजीब सा भयानक सा जिन निकला था। कितने गुस्से में लग रहा था वो। कल रात को हमने उसे महल में भी तो देखा था। हाँ चाचू, महल में देखा था। कहीं कहीं सबके पीछे मणि दैत्य का हाथ तो नहीं? मणि टूटने की वजह से बहुत क्रोधित भी था वो। कहीं कहीं उसी ने तो ये सब नहीं किया। चाचू, एक आप ही हैं जो इस सबको समझते हैं। प्लीज कुछ करिए, रोकिए उसे। मैं कोशिश करता हूँ। मणि दैत्य मैं भी यही चाहता हूँ। आओ मेरे पास और पुकारो मुझे। मणि दैत्य, मेरी भक्ति स्वीकार करो। मणि दैत्य, मेरी भक्ति स्वीकार करो। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों बुलाया है मुझे? मणि दैत्य, मणि दैत्य, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब सुनना चाहता हूं। जाह्नवी की कोख में पल रहा बच्चा दो टुकड़ों में पट गया है, उसके पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं? मेरा ही हाथ है, जैसे आकाश ने मणि के दो हिस्से किए, वैसे ही मैंने उसके बच्चे के दो टुकड़े कर दिए। एक बार मैं आकाश और जाह्नवी दोनों को सजा दे दूं, जैसे उन्होंने मेरा घर तोड़ा है, मैं उनकी जिंदगी वैसे ही बिखेर के रख दूंगा। मणि दैत्य, आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस मासूम बच्चे का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, आंखें भी नहीं खोली है। माँ बाप की सजा उस मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो? ये अन्याय मत करो। मणि दैत्य, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उस बच्चे को बख्श दो। आप उसके बदले जो चाहो ले लो, लेकिन उस बच्चे को बख्श दो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उस बच्चे को बख्श दो। मैं उस बच्चे को बचाने का एक तरीका दे सकता हूँ। आप बोलो जो आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। आप बताइए क्या तरीका, आप बताइए मुझे। यहाँ नहीं, ऐसे नहीं। तुम जाह्नवी को लेकर मेरी गुफा में आ जाओ, मैं जाह्नवी को एक कार्य दूंगा। जो मैं कहूंगा, अगर जाह्नवी वैसा ही करेगी तो मैं उस बच्चे को बख्श दूंगा। मैं जाह्नवी को लेकर आऊंगा। आप जहाँ कहोगे मैं वही लेकर आऊंगा। मैं जरूर लेकर आऊंगा। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तुम हिम्मत रखनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मुश्किल का एक साथ में सामना करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आकाश, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बच्चा ऐसे पैदा होगा तो वो बचेगा कैसे? जाह्नवी, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, और अगर जल्दी ये नहीं जुड़ा तो इसे बचाना मुश्किल हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा। जाह्नवी, हमें हिम्मत रखनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस लड़ाई में हम एक साथ में। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? मैं आज टाइम लोग जा रहा हूँ देखने के लिए कि शायद कोई तंत्र मिल जाए, लेकिन जब तक हमारे बच्चे की सांसें जिंदा है, हमें हार नहीं माननी। हमें इस दर्द का सामना करना होगा। करोगी ना? जाह्नवी, बेटा आकाश का है? वो अभी अभी बाहर गए किसी काम से। बात क्या है बताइए ना मुझे। जाह्नवी, मुझे सब पता चल गया। मुझे वो मणि दैत्य के बारे में मुझे सब पता चल गया। मणि दैत्य कौन है? मणि दैत्य? हाँ, वो कौन है? अरे तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारी और डायन की लड़ाई में वो मणि टूटी थी, और उसके बाद उस मणि में से एक भयानक आकृति निकली थी। वही मणि दैत्य है। तुम्हारी ये हालत, तुम्हारा ये दर्द सब उसी की वजह से। वो मणि के दो टुकड़े हुए थे ना, उसने अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे बच्चे को दो भागों में बांट दिया। दुश्मनी तो हमसे थी,
इसमें हमारे बच्चे की क्या गलती, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? लेकिन बेटा तुम घबराओ मत, एक रास्ता है। क्या? मैंने साधना की थी, साधना करके उसे अपने पास बुलाया था। देखो इस बच्चे को सिर्फ वही जोड़ सकता है, हमें जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। बेटा तुम जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो। जी चाचू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। आकाश टाइम लुक गया है, उसे बता भी नहीं सकती, उसे बताए बगैर मनी देखते से मिलना। चलिए चाचू। चलो बेटा चल। अच्छा अच्छा क्या करें भाई साहब, बेचारी पे खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जानवी का बच्चा अब दो भागों में बट गया है, अगर बच्चा ऐसा ही रहा तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ और बढ़ती जाएगी। आप सही कहते हैं, हम लोगों को ये बच्चा गिरा देना चाहिए। बेटा चलो, अगर इन्होंने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना जाते हुए तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चाचू। क्या हुआ बेटा? एक काम करते हैं, इस हालत में कैसे जाओगी, रहने देते, छोड़ो अभी चलो। नहीं 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 चाचू, अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे ही करना होगा। ठीक ध्यान से। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। शाबाश, आराम से ध्यान से चलो। चाचू और कितना दूर जाना है? वो सामने वो गुफा उधर है, चल पाओगी? आराम से बेटा, संभाल के चाचू। चाचू यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बेटा जगह तो यही लग रही है मुझे, एक काम करते हैं आगे चलकर देख लेते हैं। मनीदित्य मेरी मदद कर, मनी टोड़ने में मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे मेरी अमर तवा शक्तियां लौटा दो। इसका मतलब दैत्य जी डायन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लिए डायन उसके आगे हाथ जोड़ती है। चलिए चाचू। आओ आ गए तुम। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? डायन, डायन तो प्रहार नहीं करेगी जब तक तुम दोनों मेरी शरण में हो, आपस में नहीं लड़ोगे। आप इतने शक्तिशाली होने के बावजूद अपना बदला लेने के लिए आपने मेरे कोख पे पल रहे बच्चे पर वार किया। इतने सालों तक मनी में रहने के बावजूद भी आप पवित्र नहीं है, नीच है आप। मैं मनी का रक्षक हूँ, मनी को तोड़ने की सजा तो मुझे मिलनी ही थी। न्याय? ये कौन सा न्याय है? अगर आपको न्याय करना होता तो आप मेरे साथ करते, मेरे बच्चे पर वार नहीं करते आप।
ऐसा कैसे कर सकते? मणि दैत्य, आप इस बच्चे की बात का बुरा मत मानिएगा, ये बहुत कष्ट में है। दरअसल इसकी कोख में पल रहे बच्चे को आपने दो हिस्सों में बांट दिया है, ये उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जानवी, ये गुस्सा होने का समय नहीं है, चुप रहो। उस बच्चे को जोड़कर सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आप नाराज हैं, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को प्लीज। मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम दोनों की। तुम्हें अपनी खोई हुई शक्तियां पाने का और तुम्हें तुम्हारे बच्चे की जान बचाने का एक अवसर अवश्य दूंगा। तुम दोनों की वजह से मणि के दो टुकड़े हुए, अब तुम ही उन टुकड़ों को इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आओगी, और जो मेरे पास पहला लेकर आएगा मैं उसकी ख्वाहिश अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन आप इतनी शक्तिशाली, आप जब चाहे मणि को वापस ला सकते। मणि पाने के लिए आपको हमारी जरूरत क्यों है? और मैं तो भला एक मामूली इंसान हूँ जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, मणि वापस कैसे लाऊं? केवल हिम्मत ही नहीं, बुद्धिमान भी हो, यही कारण था कि मणि तुम्हें प्राप्त हुई। तुम उसकी सही हकदार थी। नहीं, मणि की असली हकदार मैं हूँ। मेरी प्रतिज्ञा और इतने सालों की तपस्या से ही मुझे मणि हासिल हुई थी। हो सकता है तुम सही हो, परंतु कौन हकदार है और कौन नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तो केवल उस अनमोल मणि का रक्षक हूं, उसे वापस पाना चाहता हूं। तुम अपने बच्चे को बचा लो, जो भी होगा वो तुम्हारे कार्यों पर निर्भर है। तैयार हो अपने कार्यों के लिए। समझ नहीं आ रहा कहाँ चले, पता नहीं बाबूजी। अरे मिले दोनों, जानवी की तो तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसी हालत में कहाँ चले गए दोनों? शायद आकर जी जो जानवी को किसी और डॉक्टर के पास लेके गए। राजीव, ऐसे किसी को बिना बताए कहाँ जा सकते हैं, किसी को भी नहीं पता। देखो ना, सब परेशान है। हम सब अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहे हैं, वो शायद ना करवाना चाहते हो इसलिए नहीं बताया। आकर्ष, क्या हुआ? आप सब लोग टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आकर्ष, तुम अकेले, जानवी कहाँ है? जानवी तो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है, क्यों, क्या हुआ? नहीं है आकर्ष, पूरे घर में कहीं नहीं है, सब जानवी को ही तो ढूंढ रहे हैं। हमने सब जगह देख लिया, जानवी कहीं नहीं मिल रही है, हमें लगा तुम्हारे साथ है। बट ये तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं जानवी किसी खतरे में तो नहीं है? अब तुम कुछ करो ना बेटे। ताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाके देखता हूँ। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम वापस आ गए। जानवी, जानवी, जानवी कैसी है तू बेटा? जानवी कहाँ गई थी तुम, और इस हालत में बिना बताए तुम घर से बाहर कैसे जा सकती हो? रश्मि बेटा, इसके लिए पानी लेके आ। जानवी कहाँ गई थी तुम? मैं और चाचू मणि दैत्य से मिलने गए थे। मणि दैत्य कौन है ये? आकाश, मणि दैत्य अब मणि का रखवाला है, इतने सालों से वो मणि के अंदर ही रह रहे थे। दादी, उस दिन दीपक जीजू भी कह रहे थे कि जब मणि टूटा था तो उसमें से एक अजीब आकार के कुछ बाहर निकला था, जो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। वो कोई और नहीं बल्कि मणि दैत्य थे। उसी मणि दैत्य ने जानवी की कोख में पल रहे बच्चे को दो भागों में बांट दिया है। क्या, उसकी इतनी हिम्मत? उसे आकाश, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ प्लीज। आकाश, पहले पूरी बात सुन लो। मणि टूटने से ही मणि दैत्य का घर टूटा था, उसने हम लोगों से बदला लेने के लिए ये सजा दी है, इस बच्चे को दो भागों में बांट दिया है। हम तो उससे इस कठिनाई का हल मांगने गए थे, लेकिन उसने आशा और जाह्नवी को एक कठिन कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया। एक मिनट, इसका मतलब माँ भी वहां मौजूद थी? हाँ, तो फिर क्या मांगा उसने? वो ये कह रहे थे कि हमें मणि के दोनों टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें वापस देना होगा। मणि के टूटने से उनका बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वो मणि के अंदर ही रहते थे,
हमें मनी देना होगा उन्हें। एक बार उन्हें मनी मिल जाए तो मनी भी जुड़ जाएगा और हमारा बच्चा भी जुड़ जाएगा। हे भगवान, ये कैसी कठिन परिस्थिति में डाल दिया। मनी के तो टुकड़े दूसरे दुनिया में है, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। उसने मेरे बच्चे को दांव पे लगा के अच्छा नहीं किया। अगर उसे बदला लेना था तो मुझसे लेता, लेकिन उसने मेरे बच्चे पर वार करके मुझे चुनौती दी है। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश, 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 मेरी बात सुन। आकाश प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। आकाश, वो मनी दैत्य बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। वो इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ तक तुम्हारी माँ भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। तो तुम ही समझो कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। हम कुछ नहीं कर सकते आकाश, समझने की कोशिश करो प्लीज। आकाश, हमारा बच्चा ऑलरेडी मुसीबत में है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपनी जान खतरे में डालो। जानवी, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे पर बुरी नजर डालने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता। ये कैसी जिद है आकाश। हमें फिर से उस गुफा में जाना होगा। लेकिन बेटा, ये आकाश को बचाने के लिए हमें जाना होगा। कुछ नहीं होगा मुझे, आप ले चलिए मुझे। चलिए चलो। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसी की तूने? अगर तुझको मुझसे लड़ना था तो मेरा सामना करता। मेरे बच्चे पर वार करके तूने अच्छा नहीं किया। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी अनुमति के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मेरे बच्चे पर वार करके तूने ही मुझे न्योता दिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चला जा यहाँ से, अपनी शक्ति पर वार मत कर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा ना तुझे, अपनी शक्ति पर बात मत कर, चला जा यहां से। तेरी ये जरूरत, मुझ पर हाथ उठाया तूने। सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि मनी को वापस लाने में तेरी जरूरत पड़ेगी, वरना इन्हीं पैरों तरह तेरी सांसें रोक देता। अभी चला जा यहां से और मनी को ढूंढ कर ला, वरना तेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए दो टुकड़ों में ही रहेगा, जिंदा या मुर्दा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे सजा देकर ही चैन लूंगा मैं। मनी कहाँ होगा चाचू, किस हाल में होगा? मैंने मना किया था जाने के लिए, मैंने कहा भी था कि मनी दैत्य इतना खतरनाक है, कुछ भी कर सकते, बट एक बात नहीं सुनता ये। आकाश, 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 आंखें खोलो, आकाश, आकाश, जानी, आकाश को उठाओ, उठाओ, आकाश। मैं फिर से अमर हो जाऊंगी, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। मणि दैत्य ने तो इसे खत्म करने की जगह अमर होने का प्रस्ताव दे दिया। नहीं नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। अमर बनकर इसने मुझ पर हमला किया था, अपने गुरु पर। कुछ भी हो जाए, मणि के टुकड़े मैं आशा को हासिल नहीं करने दूंगी, वरना ये मुझे अपना गुलाम बना लेगी। मौका मिलते ही इसे हरा कर इसे मैं अपना गुलाम बनाऊंगी। आशा मेरी गुलाम बनेगी, अमर नहीं, कभी नहीं।
चला जा यहाँ से और मणि को ढूंढ कर ला, वरना तेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए दो टुकड़ों में ही रहेगा, जिंदा या मरता। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर शांत हो जाओ, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है हमारे बच्चे को वापस पाने का, और मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं गंवाना चाहती। हमें अपने बच्चे को बचाने आकाश, समझने की कोशिश करो, शांत हो जाओ। हाँ आकाश, जानवी बिल्कुल ठीक बोल रही है। आकाश, हमें गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना होगा। लाल तुम आराम करो। अगर ये आज अपनी पत्नी की बात नहीं मानता तो इसकी मौत निश्चित थी। जानवी ने इसकी जान बचा ली। सब इस घर में क्या हो रहा है? जैसे ही लगता सब ठीक हो गया तभी सब गलत हो जाता है। इतनी मुश्किल से उस सतरूपा से पीछा छुड़ाया था और अब पता नहीं कहां से ये मनी दैत्य आ गया। पलते पलते मासूम बच्चे की जान पर हमला किया उसने। जानवी को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। वो बेचारा बच्चा पेट में धीरे धीरे मर रहा है वीर। सोच के ही रूह कांप जाती है। एक माँ के लिए उसके बच्चे की अच्छी सेहत और खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। पता नहीं जानवी ये कैसे बर्दाश्त कर रही है। अगर ये सब हमारे बच्चे के साथ हो रहा होता ना वीर, मैं तो मर ही जाती। अकेली सिमराज जी, देखो मैं जानता हूँ ये दर्द किसी के भी बर्दाश्त से बहुत बाहर है, पर देखो जानवी कैसे लड़ रही है। अगर हम ही हार मान जाएंगे, ऐसे रोएंगे, तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी, है ना? राजी होल्ड योरसेल्फ, संभालो अपने आप को और जानवी का हौसला बढ़ाने में उसकी हेल्प कर। हम उसकी स्ट्रेंथ है प्राची। देखो मैं एक बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है। जानवी और आकर्ष पहली बार इस तरह की सिचुएशन हैंडल नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना करा और हमेशा डट कर जीत कर बाहर आए। हम शॉप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इस बार भी निकालेंगे, बाकी हम सब है ना उसका साथ देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। देखो प्राची, ये जितनी भी काली शक्ति है ना, ये जितनी भी, उन सबसे बड़ी एक और शक्ति है, भगवान की शक्ति। ट्रस्ट हिम, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। तुम यहाँ पे और मैंने और चाचू ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरे पैलेस में ढूंढ लिया और तुम यहाँ पे मिले मुझे। मैं ऐसी हालत में अकेला छोड़ के कहीं जा सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल नहीं। वैसे तुम इतने सारे दर्द में हो, मैं तुम्हें और दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी आकाश, तुम्हें क्या लगता है मनी देखते की बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है? मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता क्यों नहीं है। वैसे सच कहूँ तो आकाश, मुझे भी नहीं लगता कि हमारे पास और कोई रास्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें मनी को ढूंढकर उन्हें वापस देना ही होगा आकाश, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। एक बार मनी के टुकड़े को ढूंढ कर हम उन्हें वापस दे देंगे तो हमारे बच्चे की जान भी बच जाएगी, और मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मनी को ढूंढना ही होगा किसी भी हाल में। क्या सोच रहे हो? जानवी इतना आसान नहीं होगा जितना तुम्हें लग रहा है। मतलब? तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मनी को वापस कैसे लेकर आए, मैं ये सोच रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मणि को हमने इस दुनिया से बाहर भेजा है, क्या उसे लाना वापस ठीक होगा? और अगर वो गलती से किसी गलत हाथ में लग गई तो कहर मच जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो आकाश? आकाश देखो, बात जो भी है, मैं नहीं जानती कि मणि को कैसे लाना है, देना है कि नहीं देना है, ये सब मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती और मैं अपने बच्चे को खो भी नहीं सकती किसी भी कीमत पर। जानवी,
रानी तुम एक माँ हो, इसलिए सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही, लेकिन यहाँ मैं अपने दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेना होगा। कहीं खुदगर्जी में आके अपने बच्चे को बचाने के लिए हम इस संसार को मुसीबत में ना डाल दें। अगर ये मणि गलती से भी मेरी माँ के हाथ लग गई ना तो कहर मचा देंगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम अपने बच्चे को त्याग के इस संसार को बचा ले तो क्या वो ठीक नहीं होगा? तुमने अभी अभी कहा कि तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो आकाश? तुम अपने बच्चे की बलि कैसे चढ़ा सकते हो? उस मणि को बचाने के लिए ताकि वो आशा के हाथ ना लग जाए तुम अपने बच्चे की कुर्बानी देना चाहते हो, ऐसा सोच कैसे सकते हो? तुम्हारा बच्चा आकाश होगी ना, डू दिस टू मी। चांदी, चांदी, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी। मासूम लोगों की जान ली, कितने लोगों को तकलीफ। उस मणि ने बहुत सारे लोगों की जान को खतरे में डाला है। उस मणि को वापस लाना ठीक नहीं होगा। चांदी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आकाश, आकाश, आकाश! आकाश सही बोल रहा है, लेकिन बच्चे को खोकर जानवी कैसे संभालेगी अपने आप को? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। डायन भी मणि को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, उसकी शक्तियां भी उस पर निर्भर हैं। कहीं अगर डायन के हाथ मणि लग गई तो मणि दिखी नहीं। तुम्हें पता नहीं मणि का टुकड़ा कहाँ? मुझे तो दिखी नहीं रहा, वो इसी दुनिया के किसी कोने में है या तो फिर बिल्कुल ही किसी अलग दुनिया में। मणि कहाँ पर है ये केवल एक ही शख्स जानता है। कौन? जिसने मणि के टुकड़ों को फेंका होगा सिर्फ वही जानता है कि मणि के टुकड़े कहाँ है। सही कह रही हो तुम, सिर्फ आकाश को पता है कि मणि का। अब मैं मणि ढूंढ कर रखूंगी। मूर्ख, माँ बेटे का रिश्ता पूरी तरह बिखर चुका है। आकाश इसे मणि तक पहुंचने का रास्ता कभी नहीं दिखाएगा, इसे मणि कभी नहीं मिलेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जाओ।
चांदी क्या हुआ? क्या हुआ चांदी? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने देखा कि वो मदद मदद मांग रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई नहीं, बुरा सपना होगा। सपना नहीं आकाश, तुम समझ नहीं रहे। मेरा बच्चा मेरे अंदर है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, उसकी धड़कनें महसूस कर सकती हूँ। वो मुझसे मदद मांग रहे हो, तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। मैं कुछ नहीं होने दे सकती आकाश, प्लीज मेरी बात मानो। मनी देखती है कि बात मान लो आकाश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मनी उसे वापस दे दो। मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मनी आशा को ना दे। प्लीज प्लीज, एक माँ की बेटी है तुमसे। अच्छी दे तो प्लीज। जानवी अभी सो जाओ, रात काफी हो गई है, कल हम आराम से बात करेंगे। प्लीज तेरी उम्मीद अपनी जगह है, पर तुझे क्या सच में लगता है कि आकाश तेरा साथ देगा? उसने अपनी पत्नी के लिए तुझे छोड़ा है, और अब अपने बच्चे को बचाने के लिए वो तेरा साथ क्यों देगा? मैंने उसके लिए जीवन भर क्या कुछ नहीं की। आकाश को मेरी मदद करनी होगी, अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में ही से। उसे मुझे बताना ही होगा कि मनी के टुकड़े उसने कहां भेजे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसे समझाएं कैसे। आकाश कह रहा है मुझे अपने बच्चे को भले त्याग करना पड़े, लेकिन मैं किसी भी हाल में उस मणि को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। हाँ चाचू, दुनिया को बचाने के चक्कर में आकाश अपने बच्चे का बलिदान देने को तैयार है। चाचू जानवी का क्या? जानवी तड़प रही है, क्या उसकी भी फिक्र नहीं है आकाश को? मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जानवी ने बहुत दुख देखे, समय आया थोड़ा सा सुख देखने का, और ये सब। पर आकाश भी अपनी जगह ठीक है। चाचू तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं वो कुछ नहीं, बस। तुम क्यों उठ के आ गए? तुम कल रात को भी ठीक से नहीं सोई हो। चलो तू, मैं चला, आराम कर लो। आजा। हाँ हाँ, आकाश अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन मनी के टुकड़े का क्यों पता निकले तैयार नहीं? जब वो अपने बच्चे के लिए काम नहीं करना चाहता तो वो तेरे लिए खाक करेगा? उससे मिलकर तेरा कुछ नहीं होगा आशा। वो किसी हाल में नहीं बताएगा कि मणि के टुकड़े कहाँ हैं। ये आकाश इतना जिद्दी कैसे हो गया? इसमें इंसानी भाव कहाँ से आ गया? अपना स्वार्थ छोड़कर दुनिया को बचाने चले, बेवकूफ कहीं का। टाइम के रोन कहाँ गायब हो गए? क्या करूँ पता नहीं, क्या करूँ मैं? ये क्या कर रही है? चांदी बच्ची सो रही है, जाग जाएगी, आवाज मत करो। चांदी खुश में हो तुम? मैं सिलोरी क्यों सुना रही थी गुड़िया को? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं खुद नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जीऊंगी आकाश, कैसे जीऊंगी? चलो उठो, सो जाओ। तैयारी शुरू की क्या?
क्यों आए तुम यहाँ पर? अपने बच्चे को जोड़कर उसे जिंदगी देना चाहते हो या नहीं? बचाना चाहते हो उसे कि नहीं? देखिए, आपको जो चाहिए आप मुझसे ले लीजिए। आप जो करने के लिए कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। इसे बचाने का एक रास्ता है जो मैं पहले ही दे चुका था, उस रास्ते पे तुम क्यों नहीं बढ़े आज तक? मैंने कहा था ना कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्यों, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? बच्चा तो हमारा कोख में मर रहा है, फिर तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है? मैं भी दिल दिल कर मर रहा हूँ। मेरी जिंदगी भी उस मानी में फंसी है। उन टुकड़ों को अगर जल्द से जल्द नहीं जोड़ा तो मेरा शरीर, मेरा गुस्सा ऐसा ही बढ़ता रहेगा। इतना बढ़ेगा कि एक दिन फट कर खत्म हो जाएगा। फिर तो ये अच्छी बात है, मणि नहीं मिलेगी तो एक दिन तुम फट कर मर जाओगे, फिर किसी को मजबूर नहीं कर पाओगे। मूर्ख, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरे अंदर आग उगल रही है। इन हजारों सालों के भीतर मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है कि अगर मैं फटा तो इस धरती को चीर देने वाला ब्लास्ट होगा। तो यह हजार नहीं मरेंगे, वो इस पूरे संसार का ही अंत होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहानी रच रहे हो, अगर तुम्हें इतनी ऊर्जा है तो जाके खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते हो मणि को? अपने पति को समझाओ जानवी, ये बहस करने का वक्त नहीं है। अगर समय पर मणि को नहीं जोड़ा तो इस पृथ्वी पर सबका नाश हो जाएगा और उसकी वजह सिर्फ ये होगा। ये चाचा जी, मैंने अभी अभी उस मणि जैसे किस महल से बाहर जाते हुए देखा, वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया, और भी ज्यादा विशाल हो गया, और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा। वो क्या, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मणि दैत्य इस महल में क्या करने आया था। कहाँ जा रही हो? मैं जानवी को देखकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं है प्राची, कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे कहा था बात करने के लिए, लेकिन वो कुछ बताने के तैयार नहीं है। माँ क्या करें? हिम्मत रख, पता नहीं इस दुनिया को कब तक काली शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। वो डायन क्या कम भयानक थी जब उससे भी शक्तिशाली है मणि दैत्य आ गया? क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो बस सिर्फ जानवी की फिक्र खाई जा रही है। ये मणि दैत्य तो आशा से भी ज्यादा खतरनाक है। जो एक मासूम बच्चे के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, सोचिए हम लोगों के साथ क्या करेगा। यकीन नहीं होता कि कोख में पल रहे बच्चे को कोई दो टुकड़ों में कैसे बांट सकता है। कोई शैतान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? प्राची, जानवी जिस मणि के टुकड़ों को लेने गई थी जिससे बच्चा जुड़ जाएगा, उसका क्या हुआ? पता नहीं चाचा जी, उसके बारे में उसने आगे कुछ नहीं बताया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहा हमसे जानवी। ये सिर्फ हमें डरा के मणि को हासिल करना चाहता है, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें लग रहा है कि वो सच बोल रहा है? अब मैं तुम्हें मणि को वापस लाने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना, ये सिर्फ मेरे बच्चे का सवाल नहीं है। और एक जान को बचाने के लिए मैं करोड़ों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। क्या करूं, माँ हूं ना, एक पल के लिए बहक गई थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं